गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर डेली व्लॉग। आज है वेडनेसडे एंड घड़ी पे अभी बज रहे हैं 7। मॉर्निंग मैं उठ गई थी एंड उठ के बहुत सारा पानी पी लिया एंड उसके बाद फ्रेश हो गई थी। बेसिकली कल बहुत ही अच्छा नींद हुआ, इसीलिए आज हो गई थी मैं लेट। जल्दी यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ बिकॉज मुझे आज लेट नहीं होना है। ओह बाय द वे, आज है हम लोगों का यूनिफॉर्म डे। बेसिकली रेवा यूनिवर्सिटी में एवरी वेडनेसडे ये यूनिफॉर्म कोड जो होता है वो कैरी करना होता है सब स्टूडेंट को, ये मैंडेटरी है। सो फाइनली यहाँ पे मैं झटपट करके रेडी हो गई हूँ। बेसिकली मुझे लेट नहीं होना है बट अनफॉर्चुनेटली आज मे भी मैं लेट हो जाऊँगी, मन तो वही बोल रहा है। बेसिकली लास्ट जो डे था, आई मीन वेडनेसडे, उस टाइम भी मैं ये वाला यूनिफॉर्म कैरी नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ मुझे बहुत हाई फीवर था। सो बहुत ही ख़राब लग रहा था, डिसअपॉइंटेड थी कि ड्रेस मेरे पास है बट अनफॉर्चुनेटली कैरी करके कॉलेज नहीं जा पा रही हूँ। तो फाइनली आज थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट है एंड ये रहा, यहाँ पर मैं शू का लेस बांध रही हूँ जो मुझे बांधना नहीं आता है। सो जल्दी करके मैं बांधती हूँ एंड आप लोग भी मेरे साथ चलो। आज का फुल जो डे है उसके लिए आप लोगों को मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो लेट्स गो। एवरीडे अच्छे अच्छे से रेडी हो जाओ, उसके बाद हमको ये स्वेटर कैरी करना होता है। इट्स बैड एक्चुअली। सो एवरी डे जो मम्मा को बालकनी से बाय बोलना होता है वो कर दिया एंड मेरे नेबर वाले जो छोटे छोटे भाई बहन थे वो भी आज मुझे बाय बाय बोल रहे थे। सो यहाँ पे बहुत धूप था, एवरी डे स्वेटर कैरी करना होता ही है, नहीं तो आपको गंदा वाला कोल्ड होगा जो मुझे कुछ दिन पहले हुआ था। एंड लुक एट द ग्रीनीनेस, पूरा विलेज काइंड ऑफ इट्स लुकिंग सो गुड। सो रैपिडो बुक किया था एंड रैपिडो वाले ने मुझे हेलमेट नहीं दिया था जो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा, बट जब वहाँ पे वो रिपोर्ट करना होता है मैंने वहाँ पे लिख दिया था कि हेलमेट नहीं दिया था। सो बातों ही बातों में फाइनली रेवा यूनिवर्सिटी, माय यूनिवर्सिटी, मैं आ गई हूँ एंड आज का मौसम बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। लेट्स गो, जल्दी इन होते हैं नहीं तो आज लेट हो जाएंगे। सो मेरे यूनिवर्सिटी के सामने बहुत सारे गार्ड रहते हैं, देन अंदर भी बहुत सारे गार्ड रहते हैं, फिर ये वाले अंकल जो थे वो भी रहते हैं। एंड आप लोग अभी थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि आज फुल यूनिफॉर्म डे ही है, सब लोग चारों तरफ यूनिफॉर्म ही कैरी किया है। एंड नाउ हियर आई एम वेटिंग फॉर द लिफ्ट जो मैं 8th फ्लोर पर जाऊँगी। ऑल ऑफ यू नो दैट कि मेरा 8th फ्लोर पर डिपार्टमेंट है। लुक एट द खालीनेस, एवरी डे ये खालीपन देख के बहुत ही मन को अच्छा लगता है बिकॉज दिस बिल्डिंग इट्स लुक वेरी गुड एक्चुअली जो डिज़ाइन है, बट अभी खाली है भाई, जब ब्रेक टाइम होगा ना बहुत भीड़ हो जाएगा। क्या फंडा है पता नहीं, डेली मैं क्यों इतना जल्दी आती हूँ, कल से मैं भी लेट करके आऊँगी। सो अभी क्लास स्टार्ट होने ही वाला है तो मैं थोड़ा फ्रेश होने गई थी तो वॉशरूम में, एंड मेरे एक फ्रेंड है जो अपने हॉस्टल से थोड़ा खाना लेके आई थी, वो मॉर्निंग यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेती है तो मैंने भी थोड़ा खाया था उसके पास से। एंड फर्स्ट क्लास में डिसूजा मैम का जो क्लास था वो न्यूज़पेपर के ऊपर था, देन सेकंड क्लास टाइम भी नहीं मिला एक्चुअली, मानस सर का था डेवलपमेंट कम्युनिकेशन वो भी किया, देन उसके बाद जस्ट 15 मिनट्स का मे बी ब्रेक था, उसमें ही देखो हल्का पतला भीड़ हो रहा है यहाँ पे। एंड मम्मा ने आज मुझे दिया था जैम ब्रेड,
अब यार क्या ही है। सो जैम ब्रेड यहाँ पे मैं आराम से इंजॉय करके ही खा रही थी बिकॉज़ मैं हंग्री थी, मॉर्निंग कुछ भी नहीं खाती हूँ। एंड पीछे से मेरे दो फ्रेंड मुझे हाय हाय हेलो हेलो बोल रहे थे। सो थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद फाइनली मैम आ गई, वन मोर क्लास, वो वाला क्लास होने के बाद देन वन मोर क्लास ऑल्सो, ख़त्म ही नहीं हो रहा था भाई। आज मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत सारा क्लास था एंड लंबे टाइम से, तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों के साथ शेयर करना ही होगा, तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ जितना हो सकता है। एंड मेरे कॉलेज का जो बाहर टॉप फ्लोर से जो व्यू है वो भी शेयर किया। सो अभी मैं जाऊँगी घर, मे बी आज मुझे मम्मा ही पिकअप करने आएंगे एंड यहाँ पर सब लोग ही घर जा रहे हैं। सो बाय द वे आप लोग मुझे बहुत सारे पीपल कमेंट भी कर रहे हो एंड मेरा वीडियोस भी देख रहे हो, दैट्स व्हाई थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, और माँ दाड़ी दाड़ी এখানে ওইখানে একটা সুন্দর ছেলে ছিল তাকে দেখছে, इट्स नॉट गुड एक्चुअली बट क्या करे। जोक्स अपार्ट, चलते चलते रास्ता के क्या हाल है पापा? हेलो हेलो यार, सो वी आर गोइंग, कहाँ जा रहे हम लोग मम्मी? मोर कबे मोर हमरा मोरे जाच्छी। ओ मोरे जाच्छी मीन्स हम लोग शॉपिंग करने जा रहे, बहुत सारा शॉपिंग, एक्चुअली बेसिकली ग्रोसरी लेना है, सो लेट्स गो जाते हैं। सो बातों ही बातों में मॉल में भी चले आए थे, बहुत सारा शॉपिंग करना था, ग्रॉसरी लेना था, सो इसीलिए मैं और मम्मा चले आए थे। ओ बाय द वे बहुत सारे पीपल मुझे कमेंट करके बहुत कुछ पूछ रहे हैं, सो मैं उन लोगों का जवाब मेरे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, सो आप लोग देखना। एंड यहाँ पे गोपाल के लिए एक चॉकलेट लिया था, एंड आप लोगों को फर्दर कौन सा वीडियो देखना है इसलिए आप मुझे कमेंट करके बोलना, मैं उसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। ओके सो यहाँ पे कुछ ग्रॉसरी का सामान भी लिया था, फूलगोभी लिया था जिसका प्राइस 36 रुपीज़ लिया था, कोलकाता में यही 15 या 20 रुपीज़ से मिल जाता। सो ओके नो प्रॉब्लम, बहुत सारा शॉपिंग किया, यहाँ पे जो सब्ज़ी वगैरह मम्मा ने लिया एंड बाकी सब मैंने लिया। थोड़ा दूरी है मेरे घर से मोर, बट कॉलेज से नज़दीक है इसीलिए डायरेक्ट आए थे। एंड पोलर बियर इसमें आऊँगी एक दिन आइसक्रीम खाने। सो वहाँ से निकल के हम लोग गए थे फ़िश शॉप पे, तो ये वाला फ़िश शॉप से हम लोग सब फ़िश वगैरह लेते हैं। एंड आज हमने लिया था ये वाला फ़िश, इसको हम सुंदरी भोला बंगाली में बोलते हैं, और आप लोग क्या बोलते हो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बोलना। बहुत ही फ्रेश फ़िश यहाँ पे मिलता है, एंड एक बंगाली फैमिली को साउथ इंडिया में अगर फ़िश मार्केट या शॉप मिलता है इससे खुशी का बात कुछ नहीं है। सो चार पीस फिश हुआ है, इसका कॉस्ट हम लोगों को ये। मेरी मम्मी जा रही है, बाय। तो चलते चलते ये वाले शॉप का स्मेल मम्मा को आया था, बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्मेल दे रहा था। मम्मा ने बोला चलो तुम भी हंगरी हो कुछ खा ही लो, मैंने सोचा ओके। बहुत सारे पेस्ट्री थे यहाँ पे, बट मम्मा को आई डोंट नो व्हाई ये वाला पेस्ट्री बहुत अच्छा लगा। सो बेसिकली इट्स अ होममेड एगलेस कोकोनट चॉकलेट केक, इट्स ओवरऑल गुड एक्चुअली, नॉट बैड नॉट गुड एंड ऑल, बट मैं फुल डे से कुछ नहीं खाया था इसीलिए मुझे ज़्यादा खाना नहीं था, बट मम्मा को बहुत अच्छा लगा, जेन्युइनली बहुत अच्छा ही था। सो BMTC बस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है बेंगलोर सिटी का, उसमें ही हम लोग जा रहे हैं। एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुविधा प्रोवाइड होता है वुमेन के लिए, जिन लोगों के पास कर्नाटका का आधार कार्ड होता है वो पूरा फ्री होते हैं, बट हम लोगों को 10 रुपीज़ पे करना हुआ, मेरे 5 रुपीज़, मम्मा का 5 रुपीज़। फाइनली हम लोग घर चले आए थे, फ्रेश हो गए, एंड यहाँ पे टमेटो भरता करूँगी, मम्मा ने बॉयल करके ही रखा था तो मुझे ही बोला कर लो।
एंड ये रहा फिश, अभी इसको फ्राई करके मम्मा रख देगी, रात को कुकिंग करेगी। एंड मेरा राइस भी यहाँ पे रेडी है। चीची यहाँ पे एक्चुअली सेम हो गया था। या फाइनली टमेटो भरता रेडी है। एंड यप, कभी मैं खाती हूँ, बहुत टायर्ड हूँ। सो फाइनली मैं घर आ गई हूँ, अभी खाना खाऊंगी बिकॉज खाना वाना कुछ ज़्यादा नहीं खा रही हूँ आजकल। एंड या यूनिफॉर्म एंड ऑल। सो बेसिकली आज का वीडियो इतना तक ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कमेंट करना मत भूलना। फॉलो फॉर मोर वीडियो। बाय बाय।